सिवनी जिले की सेलुआ घाटी में टोल नाके की शुरुआत होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। टोल नाका शुरू करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और टोल बंद कराने की मांग पर अड़ गए। इस बीच पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद होने लगा, जिसके बाद प्रशासन को फिलहाल के लिए टोल को बंद करना पड़ा है। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से एक टोल की दूसरे टोल से करीब 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर 30 किलोमीटर के दायरे में ही दूसरा टोल बना दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेसी टोल नाके का विरोध करने पहुंचे थे। ये टोल स्थगित कर दिया गया है। हम लोगों से स्पष्ट प्रशासन की चर्चा हुई है। आने वाले समय में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ पहले चर्चा की जाएगी, नियम की बात की जाएगी और उसके बाद आगे का कदम बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी ले लिया है, ये टोल अभी शुरू नहीं होगा। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ टोल के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने आके माइक से यहाँ घोषणा की है, यह हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके लिए जो टोल टैक्स के विरोध में जो चक्का जाम किया था इसको फिलहाल के लिए अभी स्थगित किया रहे हैं जी। अभी बिल्कुल जो अभी जो चक्का जाम हुआ इसके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए फिलहाल के लिए इसको स्थगित किया जा रहा है। बाकी जैसे दिशा निर्देश ऊपर से मिलेंगे वैसे उसमें कार्रवाई की जाएगी।